अस्सलाम वालेकुम, ग्रिपन ट्रिप का नया एपिसोड और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ताऊबट में। लेकिन सफ़र मैं आपको अपना दिखाऊंगा केल से ताऊबट का रास्ता जो है वो कैसा है, ये आप देख लें फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यूट्यूब पे कभी लिखें ना ग्रिपन ट्रिप तो नीचे पूरा थ्रेशहोल्ड खुलता है, ग्रिपन ट्रिप हमजा, ग्रिपन ट्रिप सवाद, ग्रिपन ट्रिप टर्की, ग्रिपन ट्रिप नारान। तो मुझे बिल्कुल, आपने एक टूर गाइड रखा हुआ है, ठीक है, मुझे इस चीज़ की खुशी होती है। और आप मुझे भी फ़ायदा दें, मुझे सब्सक्राइब करें। मोर देन 80% चैनल पे मेरी सब्सक्रिप्शन नहीं है और ये चीज़ मैं अपनी बड़ी फ्रीक्वेंटली आपसे कह रहा हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। मुझे यूट्यूब कह रहा था कि लोग तुमसे देखते हैं, तुम्हारी वीडियो देखते हैं, उसके बाद आगे चले जाते हैं, तो एक ही चक्कर है कि फोटो निकला नहीं मैनू। मुझे चैनल लाजमी मेरा सब्सक्राइब करें और नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, रिक्वेस्ट ही है। प्लान ये है कि अभी मैं पहुँचा हूँ और लकीली हमें गर्म पानी मिल गया और हम लोग अभी, मैं नहा के निकला हूँ अभी आधे घंटे बाद। यहाँ पे ऐसी कुछ ठंड हो जानी है ना, इसलिए मैंने जैकेट बैग में रख ली है। और जहाँ अभी मैं दरिया वाली साइड पर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल्स बन गए हैं। मैं 3 साल बाद आया हूँ यहाँ पे और एक पूरी कॉलोनी बन गई है, लेकिन यह है कि अच्छे होटल्स भी बन गए हैं। पहले यहाँ पे अच्छे होटल्स नहीं थे, सीधी सी बात है। ये मुझे बात अच्छी नज़र आ गई कि यहाँ पे डस्टबिन पड़ी हुई है और वो भरी हुई है, पता नहीं अब ये मैनेजमेंट ने भरी है कि लोगों ने खुद भरी है, बहुत ही अच्छी बात है। ताऊबट में आपको बहुत ही वाइल्ड और बड़ी ही खूबसूरत जो है ना जेन्युइन ब्यूटी वो आपको मिलती है। यहाँ पे आपको घर मिलते हैं पुराने, वही बात है कि छतें सबकी चेंज हो गई हैं। पहले इन घरों की छतें लकड़ी की हुआ करती थी, कुछ घर वो ढूंढते हैं अभी, क्योंकि शाम हो रही है और हमें जाना है दरिया वाली साइड पर जो एक पेट व्यू जो है इसका, उसको देखने। तो मेरे साथ रहिएगा। केल से ताऊबट का सफ़र 38 से 40 किलोमीटर बनता है जो कि सारा ही ऑफ रोड है। जीप में यहाँ जाने में तकरीबन 3.5 घंटे लगते हैं, जबकि लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम केल से ताऊबट जाती है। बारिश में रास्ता खतरनाक है क्योंकि सारा ट्रैक ही मिट्टी का बना हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि केल से ताऊबट के रास्ते में ही नीलम वैली की असल खूबसूरती देखने को मिलती है। ग्रिपन ट्रिप के आज के एपिसोड में हम ट्रैवल करके पहुंचेंगे ताऊबट, होटल में कमरा लेंगे और दरिया नीलम के मशहूर व्यू का नज़ारा करेंगे और साथ में एक्सप्लोर करेंगे इस गांव को। और इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ताऊबट में कहां कहां जा सकते हैं और क्या यहां सेम डे में वापसी करनी चाहिए या नहीं। ये होटल नया बना हुआ है जी, तो मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे कंक्रीट कंस्ट्रक्शन नहीं है, बिल्कुल नया होटल है और हमने 2 सिंगल बेडरूम लिए हैं। और ये इसका व्यू पॉइंट है जी सामने आप। तो यहाँ पे कुछ दोस्त आए हुए हैं, वो ख़ुद भी वीलॉग्स बनाते हैं और जैसे कि मैं आपको बता रहा था 84% मेरे वो व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। पहले तो मैं इनको पूछना, मैं सब्सक्राइब ही किया है कि नहीं जी। लॉरेंस ऑफ ट्रैवलर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, 5 दिन के टूर पे ही आए हुए हैं ये लोग और इनका अच्छा प्लान है कि ये ताऊबट आ गए हैं और अब ये यहाँ से एक रात केल में रुकेंगे। जी हाँ, केल में एक रात रुकेंगे, इनका अच्छा प्लान है। वो इस तरह से कि अक्सर लोग एंड पे रखते हैं ताऊबट को और फिर स्ट्रेट अवे यहाँ से इस्लामाबाद या लाहौर जाते हैं और फिर जाते तक उन्होंने लग पता जाता है। हाँ, इनकी ज़रा बचत हो जाएगी इस तरह से। ठीक, तो अभी आपने रोम राउंड कर लिया, सारा एरिया फिर लिया आपने?
बड़ा अच्छा टूर, बल्कि हम आपका चैनल देख के आए। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। बाकी इनके साथ जो है वो मैं गपशप करता हूँ, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ये जी मेन चौक है ताऊबट का, यहाँ से हम इस तरफ जाएंगे तो वो दरिया का पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे ब्रिज हाफ है, और पहले चल के देखते हैं ये जो गगई नाला है ये कहाँ पे नीलम से मिलता है, अगर तो पॉसिबल हुआ तो वो वाला पॉइंट कवर करते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर आगे। ताऊबट अड्डे से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले दरिया की दूसरी जानी भी कुछ होटल हैं, तो पहले इधर का एक चक्कर लगाते हैं फिर हम ब्रिज वाली साइड पर जाएंगे। अभी हम लोग होटल में गए थे और ज़्यादा फ्रेश होने का टाइम नहीं मिला क्योंकि शाम होने में सिर्फ 1.5-2 घंटे हैं, तो आज का मैंने कहा कुछ एक्टिविटीज़ कर लेंगे। यहाँ पे एक डोली लगी हुई है, इसके 20 रुपये चार्जेज हैं, तो पहले तो करते हैं डोली एक्सपीरियंस। ये देखें जी, ये आ रही है जी डोली, मुझे यहाँ लेके आएगी। अच्छा जी, वेरी गुड वेरी गुड। ब्रेकें इसकी ये हैं जी, ये इसकी। वैसे तो इस डोली से थोड़ा आगे ब्रिज भी है, लेकिन मैं वापसी उधर से आ जाऊंगा। वेरी गुड। वापस उधर से चले जाएंगे ब्रिज से। इस ब्रिज की स्टोरी मैं आपको सुनाऊं, हम लोग जब फर्स्ट टाइम आए ना बासात, तो यहाँ पे ना ये जो ब्रिज है ना ये बिल्कुल एक था, बिल्कुल ही बेचारा मखदूश हालत में था। अब तो प्रॉपर डबल केबल है ना, पहले इसकी सिंगल सिंगल केबल्स थी और फटियाँ भी बीच में से गायब थी। और हम लोग चले गए उस साइड पे, हमें लाइटें नजर आई, हमने कहा चलो इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। और अगस्त का महीना था, दरिया अपने फुल जोबन पे था। अच्छा। अभी ये दरिया नहीं है, दरिया वहाँ पर जाके मिल रहा है, लेकिन ये भी गहरा है यहाँ से, जितनी खामोशी से पानी गुजर। हाँ, तो जी 7-8 लड़के थे ब्रिज पर चढ़ गए, और जब ब्रिज हिलना शुरू किया तो अल्लाह याद आ गया। और रात का वक्त पता भी नहीं लग रहा पानी कितना नीचे है, कितना झूल रहे हैं। मैंने तो अपनी बाजू को केबल के साथ लपेट लिया, टांग को भी जफ़ी डाल ली इस तरह से करके, और ऐसे हो गया कलमे पड़ने लग गया। अब ये काफ़ी सेफ़ हो गया है, और देखने आप राइट लेफ्ट इसकी फेंस लग गई है, पहले उस तरह से फेंस भी कोई नहीं लगी हुई थी यहाँ पर। हाँ जी, 2 DJI Move 2 ले लें। कितने का वो? 13 आप देख रहे हैं ये बहुत पुरानी मस्जिद है, कि 12-13 साल से मैं देख रहा हूँ, इसकी बड़ी ग्रेस है। अभी दरख्तों की वजह से थोड़ी छुपी हुई है, इसको दूसरे एंगल से चल के देखते हैं। अभी पहले चाय पीनी है और चिप्स पकौड़ा खा के पहले फ्रेश हो जाएं, फिर आगे चलते हैं।
कश्मीर में एक एहतियात आपने करनी है लाजमी, अगर आप कम चीनी खाते हैं ना तो आप उनको चीनी का कहना ही नहीं, अलहदा से ले लें क्योंकि इनकी किताबों में थोड़ी चीनी नहीं है। मैंने 2-3 दफ़ा लोगों को कहा चीनी कम डालना और उन्होंने इतनी अपनी तरफ से उन्होंने कम डाली है लेकिन वो फिर भी इतनी थी कि मेरा मुंह जुड़ गया थी इतनी चीनी थी। मैंने चीनी एक्स्ट्रा ले लिया इनसे, अभी पकौड़ों की एक प्लेट ली है, बिल्कुल ही हिम्मत इस पर जवाब दे गई है। 6 घंटे में हम पहुँचे हैं, बड़ी अफेक्ट थी माशाल्लाह, लेकिन इन्होंने सिटिंग अच्छी बनाई हुई है आप देखें। ताऊबट पहुंचकर अगर एक रात गुजारनी हो तो फैसिलिटीज़ पर एक नज़र डालते हैं। केएल से ताऊबट का फासला तकरीबन 38 से 40 किलोमीटर बनता है, जिसकी मुसाफत में आपको 3.5 से 4 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि ये सारा रास्ता ही ऑफ रोड है, जबकि लोकल जीप यहाँ आने और जाने के 10 से 12 हज़ार रुपये चार्ज कर रही हैं। ताऊबट में नहायत साफ़ सुथरे और सादा किस्म के होटल आसानी से मिल जाते हैं, जिनकी रेंज 1500 से 4000 रुपये तक है। अगर आपके साथ बुज़ुर्ग और बच्चे हैं तो रास्ते को देखते हुए मेरा मशवरा है कि आप ये सफ़र ना करें, और अगर मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें तो एसकॉम की सर्विस मौजूद है, जबकि यूफोन भी एसकॉम पर शिफ्ट होकर चलता है। ग्रिप ऑन ट्रिप के कुछ दोस्त आए हुए हैं और हमारे साथ खालिद भाई हैं और साथ में सैफुल्ला भाई और शाहिद इकराम भाई, ये लोग सरगोधा से आए हैं और एक मेरा बड़ा ज़रूरी काम था जो ये कह रहे हैं कि आपका हो जाएगा। इन्होंने ख़ुद बल्कि मुझे दावत दी है कि आप जब सीज़न आता है ना तो किनो फ्रूटर का जो सीज़न है उसके लिए आप सरगोधा कोट मोमिन आएँ, तो आपको हमारे बाग हैं तो आपको वो सारी एक्टिविटी कवर करवाते हैं। सरगोधा की जो तहसील कोट है ना वहाँ पर किन्नो पूरी दुनिया के मीठा और इतना खूबसूरत किन्नो है जो पूरी दुनिया में जाता है, जो इवन के पाकिस्तान में भी नहीं आता। जो पाकिस्तान वहाँ पे दो जगह पैकिंग होती है, एक लोकल में होती है, एक जो आला क्वालिटी होती है उसको पैक करके बैरून मुल्क भेजा जाता है। ठीक हो गया। तो हम आपको इंशाल्लाह फैक्ट्री ले जाएंगे, किस तरह उसकी ग्रेडिंग की जाती है, किस तरह साफ किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, पैकिंग किस तरह की जाती है, ठीक हो गया। और आपको बाग में भी लेके जाएंगे इनके साथ, आपकी मैं दोबारा मुलाकात करूंगा। हमारे साथ ही गांव है हीर रांझा का, जहाँ का रांझा था ना, अच्छा, उस अच्छा, वो अच्छा, गांव जो तख्त हजारा है वो हमारे सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव पर है और वहाँ भी किन्नों के बाग हैं। और अभी आपका क्या प्लान है? अभी हम आज वापस जा रहे हैं, रत्ती के लिए जाएंगे, उसके बाद हमारी कोशिश है कि हम वहाँ से बालाकोट से नारान का गांव जाएं और आगे स्टोर जाएं। बड़ा जबरदस्त और लंबा प्लान बना लिया इन्होंने, स्टोर आपके कहने पे बनाया प्लान, वो आपके कहने पे। हाँ तो देख लेना फिर, रहना कि मैंने बाद बुलाओ ही ना। नहीं, कहा था आप कोर्ट पर मन आएंगे, आपके वापस जाने के दिल ने कर, इतने अच्छे लोग हैं। चलो जबरदस्त इंशाल्लाह जी। और अभी सीन ऐसा है कि यहाँ पे मैं देख रहा था कि आपने केल में देखा कितना रश है, लेकिन ताऊबट में मेरा ख्याल है 10% लोग भी नहीं आते। असल वजह ये है कि जो रास्ता है ना आने का उस पे, चलो कच्चा रास्ता भी हो ना, जो गर्दो गुबार है ना वो इतनी होती है कि लोगों को सांस के प्रॉब्लम होते हैं, कपड़े उसका चेहरा सारा खराब हो जाते हैं, जिस वजह से लोग यहाँ से इग्नोर करते हैं ताऊबट में आने के लिए। और वहाँ पे ये है कि वहाँ पर ट्रैक थोड़ा है शारदा से आगे, बंदा जल्दी पहुँच जाता है और ऊपर जो वो जन्नत का टुकड़ा है ऊपर। हाँ बिल्कुल, रिंग में बिल्कुल। अभी ऐसा है ये यहाँ पे सड़क की फिजिबिलिटी चल रही है, तो अब मैंने भी ताऊबट तभी आना है जब यहाँ पे सड़क बनेगी, हम भी तभी आएंगे इंशाल्लाह। चलो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये सामने पॉइंट है जी, और बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि सामने इंडिया है, सामने इंडिया नहीं है, सामने भी पाकिस्तान है। अगर सामने इंडिया होता ना तो ये हाफ दरिया में आपको ब्रिज ना मिला होता। आगे चल के देखते हैं, यहाँ से दरिया बड़ा खूबसूरत होकर गुजरता है और जो उधर से नाला आ रहा है वहाँ पर एक मस्जिद है बड़ी प्यारी, उसको भी देखते हैं। लेकिन पहले आपको दरिया का ये हिस्सा दिखाऊँ, इसमें अभी तक जो ताऊबट बाला से जो नाले आ रहे हैं वो इसमें नहीं मिले, और नाले बड़े खूबसूरत हैं, वो भी चल के देखते हैं। नहीं डाली, सही बता रहे हैं। पिछले 3 घंटे से बाइक चला रहा था और दिल कर रहा था बस मिल्क शेक मिल जाए कहीं से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तआला शुक्र है।
ये जो ब्रिज है इसके ऊपर एक जो लाजमी लेने वाली पिक्चर होती है वो अब नहीं ले सकते क्योंकि रास्ता बंद है। वैसे जब मैं बाइक पे यहाँ पे एंटर हुआ था तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे, पता नहीं वो फिर टप के गए होंगे। आर्टिफिशियलिटी कम होती जाती है जैसे जैसे कश्मीर में आप आगे बढ़ते जाते हैं। अब ताऊबट में आके तो खीर हो जाती है, मतलब यहाँ पे आपको शहरी चीज़ें होती हैं वो बड़ी कम नज़र आती हैं। और माशाल्लाह कुछ शहज़ादे ये भी हैं जो शिकायतें करते हैं कि यार ताऊबट में सहूलतें नहीं हैं। तो अगर आपने सहूलतें लेनी है ना तो तुम घर ही बवो, ठीक है, आपको कश्मीर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं ये मेरा फेवरेट ट्रैक है क्योंकि यहाँ पे दरिया जो है ना वो बिल्कुल एक बल खाता है एक सांप की तरह। मैं यहाँ पे वॉक करता जाता आगे चला जाता हूँ, आगे फिर सरकार बैठे हैं वो फिर कहते चलो पीछे, फिर मैं पीछे आ जाता हूँ। तो बड़े खूबसूरत व्यू है, मेरा फेवरेट व्यू है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे दरिया का पार्ट भी बड़ा हो जाता है और उसकी खूबसूरती भी मज़ीद अच्छी लगती है क्योंकि दोनों साइडें दरख्तों से मुकम्मल तौर पर ढकी हुई हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है उसमें से ऐसे गुजरता हुआ। तो हजरात ग्रिपन ट्रिप पहुंचा पाकिस्तान के आखिरी नुक्कर पे और सामने आप जो देख रहे हैं, मुझे लोकल ने बताया, मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, वो जो पीछे पहाड़ देख रहे हैं ना आप, वो कह रहे हैं कि यहाँ से श्रीनगर करीब है और राइट लेफ्ट जो के जो दो पहाड़ हैं ये पाकिस्तानी है। पीछे वाला जो बिल्कुल मेरे पीछे देख रहे हैं ना पहाड़, ये है जी IOK। अगर हम ज़्यादा आगे गए तो फिर जो आर्मी है वो नॉट ओके, लिहाजा दैट्स ऑल। जी मुजम्मिल भाई और आमिर भाई ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से और ये रेगुलर देखते हैं ग्रिप ऑन ट्रिप के वीलॉग्स देखते हैं। और आमिर भाई की जो मुझे एक अच्छी बात लगी है ना, इन्होंने मुझे बताया है कि नलतर में जब आप चीते की वीडियो बनाने के लिए बहस कर रहे थे ना तो मैंने आपको तब वहाँ देखा था और वो मेरे चैनल का पहला वीलॉग था, तो इस बात पे मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। जी अब सुबह का तो हमारा मेन प्लान ये है कि हम लोग आगे जाएंगे ताऊबट, अब उसमें ताऊबट बाला, ठीक है, वहाँ पर आगे जो नाले वगैरह हैं वो देखेंगे। जबरदस्त बहुत अच्छा तो है। अगर उस तरफ कुछ आप अगर हमें गाइड करें तो ज़्यादा बेहतर गाइड करें क्योंकि आप ज़्यादा पुराने ट्रैवलर हैं मेरे से। नहीं हम लोग आपको देख के लगे हैं। अभी ऐसा है कि आप लोग वहाँ पे पार्किंग में बाइक लगाइएगा, आपको बाइक भी मिल गई है, ये अच्छा हो गया, आपने अरेंज किया खुद ही यहाँ से। ये हमारे एक दोस्त ने गिफ्ट किया यहाँ से, हमने केल गाड़ी लगाई है वहाँ से जीप पे आए हैं। हाँ ये और यहाँ से हमने दोस्त को फिर कहा, वो जीप दे रहा था लेकिन हमने कहा हमें बाइक दे दो। और हम उमर भाई की विसातत से यही कहेंगे कि लोग जो हैं वो नारान का गान जो है वो भूल जाएंगे, इस जगह को देखें, केल देखें, ताऊबट देखें, बहुत अच्छी जगह है। बल्कि यहाँ के जितने भी नाले हैं उनको चेक करें। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो जो जितने भी मैं आपको बता रहा था अपने रोड वाले एपिसोड में, लोग भी अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, चोरी चकारी बिल्कुल नहीं, क्राइम रेट यहाँ पे कहते हैं जीरो। हाँ, जीरो जीरो परसेंट साइल वाली, यानी वो मरी वाला काम इधर नहीं। मरी वाला काम देख ले, जब भी किसी चीज को ऑपोजिट एग्जांपल दी जाती है ना तो फिर मरी सामने आ जाता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। नीचे लोग कमेंट करते हैं मरी के पीछे पड़े रहते हैं, ये कहते हैं ना आवाज़ खल को नकारा है खुदा समझो, वो वाला सीन है। अच्छा वैसे एक चीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पर दिन के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रश होती है, रात के टाइम जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा, हम तीनों के मास्क हैं। हाँ सही, इसकी वजह क्या है? इसका ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने नोट किया है क्योंकि केल में बहुत ज़्यादा रश था, शारदा केरन में रश है, यहाँ पर रात को सन्नाटे पड़ जाते हैं। इसमें सबसे पहला काम करती है जीप, जीप वाले क्या करते हैं 4 घंटे का आपको ट्रैक करवाते हैं और सिर्फ ये सामने वाले ब्रिज पर लेके जाते हैं। जीप से क्या, जीप वाले
जो जीप माफिया है या जीप जीप माफिया कह लें। हाँ, लेकिन इस पुल से एक किलोमीटर आगे तो इंडिया का बॉर्डर, इंडिया बस यही दिखाते हैं आपको और वापस ले जाते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि नेक्स्ट जो रात है ना वो क्लाइंट की हमारे गेस्ट रूम में गुजरे, तो ये शाम तक खाली हो जाता है। तो ये देखें कितना जुल्म है और लोग कितने नॉमिनल पैसे मांगते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही है ना, होती है अभी हाँ, कुछ भी नहीं है। और एक और डिसऑनेस्टी ये भी है कि आप उनको सिर्फ ये व्यू दिखा रहे हैं, आप उनको तौबट वाला नहीं दिखा रहे जो कि ज्यादा प्यारी जगह, उस तरफ का वो नाम भी नहीं लेते तो उन्हें जाना पड़ता है। हाँ, इंशाल्लाह मैं व्लॉग बनाऊंगा, सारा दिखाऊंगा उसने यहाँ पे जाए नहीं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू अमर भाई, बहुत खुशी सर। तो आज के इस एपिसोड में हम तौबट पहुँचे, तौबट को रोम अराउंड किया, यहाँ पे हमने होटल देखे, घर देखे, लोगों के साथ मिले और दरिया के साथ साथ आगे तक गए जहाँ पे सिविल जो सिविल आबादी है जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक हम गए हैं। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत था, बड़ा मज़ा आया। अब शाम होने वाली है, एक डिफरेंट बात मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि यहाँ पे सर्दी इतनी नहीं है, मतलब मेरे जैसे बंदा नहा के आया हुआ है अभी, और अभी मैं सिर्फ टी शर्ट में और जूती पहन के फिर रहा हूँ और मुझे कोई सर्दी नहीं लग रही। मे बी यहाँ पर सर्दी अलग से थोड़ी कम है, लेकिन खैर आप मुझे बताइएगा तौबट का ये सफ़र आपको कैसा लगा। तौबट पाकिस्तानी कश्मीर का एंड है, यहाँ से सिविल आबादी बस आगे गाँव है तौबट वाला वो है, और बाकी जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये पाकिस्तानी एंड है। तो इसी खुशी में आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो इस एपिसोड के आखिर में मैंने आपसे दो इंपॉर्टेंट बातें करनी थी, एक ये कि पाकिस्तान से प्यार करें और गन ना मचाएं। ऊपर जो मैं गन देख रहा था वो टूरिस्ट से नहीं फैलाया हुआ था, वो एक होटल की बैक साइड थी और वो जो खा रहे थे जो चीज़ें यूज़ कर रहे थे पीछे फेंक रहे थे, हालांकि पीछे जो वो फेंक रहे हैं वो यहाँ का मेन व्यू है। तो लोकल कम्युनिटी को भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान से प्यार करें, ग्रिप ऑन ट्रिक को सब्सक्राइब करें। अल्लाह। ग्रिपन ट्रिप में कश्मीर जन्नत नज़ीर सीरीज़ अभी जारी है और आगे हम जाने वाले हैं नीलम विलेज, जहां हम केरन वैली का शानदार नज़ारा करेंगे। और अगर आप तौबट बाला में गुजरा एक दिन देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें। और अगर देखना चाहते हैं केल से तौबट का एक यादगार सफ़र तो सड़क की मुकम्मल मालूमात के लिए यहां क्लिक करें। ग्रिपन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।